नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है डायबिटीज़ फूड ज्ञान। आज मैं जो रिव्यू करने वाला हूँ वो होगा कंप्लीट लंच, यानी आप जो मैं लेने वाला हूँ आपको जितना खाना है आप खा सकते हैं, आपकी शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। तो आज मैं जो खाने वाला हूँ वो खाने वाला हूँ 2 सोयाबीन की रोटी और मशरूम की सब्जी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप लंच करते हो या डिनर करते हो तो उससे पहले आपको जो सलाद होता है वो आपको खाना ज़रूरी है। अभी आप देख सकते हैं आज के टाइम पे सलाद इतना महंगा हो चुका है, हर चीज़ महंगी हो रही है। हमारे यहाँ अहमदाबाद में टमाटर का भाव, अभी भी टमाटो का भाव 160 रुपये पर केजी है। यानी हर चीज़ महंगी हो रखी है, खीरा है वो 90 रुपये 100 रुपये किलो हो रखा है। तो हम लोग क्यों खाएं, हमें भी अपना बजट देखना पड़ता है। तो मैं आज ऐसा खाना लेके आ रहा हूँ जो मैंने आपको बताया था, सोयाबीन की रोटी जो लूँगा मैं 2 और लूँगा मैं मशरूम की सब्जी। देखेंगे कि इससे हमारी शुगर कम होती है यानी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, तो हम लोग सलाद क्यों खाएं। जो सोयाबीन का आटा है उसका मैं आपको न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करूँ तो उसमें कैलोरी 380 होता है, 100 ग्राम की बात कर रहा हूँ आटे की, तो उसमें 380 होता है। प्रोटीन है वो 40 ग्राम होता है, काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिलता है हमको सोयाबीन की रोटी से। और जो फैट है वो मिलता है हमको 12 ग्राम, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो रहता है 35 ग्राम। यानी अगर हम लोग प्रोटीन है फैट है इसको अगर प्लस भी करते हैं तो हमारा 50 के आसपास ग्राम बन जाता है फैट और प्रोटीन का, और कार्बोहाइड्रेट है सिर्फ 35। यानी इससे हमारी शुगर नहीं बढ़ेगी, आपको 2, 3, 4 जो रोटी खानी है आप खा सकते हैं, उससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि इसमें फाइबर भी होता है 7 ग्राम के आसपास। यानी सोयाबीन की रोटी आप ज़रूर खाइएगा, इससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। अगर मैं सोयाबीन की ग्लासेमिक इंडेक्स और ग्लासेमिक लोड की बात करूं तो जो इसका सोयाबीन की जो ग्लासेमिक इंडेक्स है वो है 16 जो लो में आता है, और जो ग्लासेमिक लोड है वो आता है 5, यानी ये भी लो है। यानी आप सोयाबीन की रोटी या सोयाबीन जो भी आप यूज़ करते हो उससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। अब मैं बात करूँ मशरूम की, तो 100 ग्राम की न्यूट्रिशन वैल्यू की अगर बात करूँ मैं मशरूम की तो उसमें हमको मिलता है 15 कैलोरीज मिलती है, 100 ग्राम में हमको सिर्फ 15 कैलोरीज मिलती है। प्रोटीन हमको मिलता है 2 ग्राम, फैट मिलता है हमको 1 ग्राम, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो मिलता है हमको 3 ग्राम, फाइबर है 1 ग्राम है। तो मशरूम की सब्ज़ी से भी हमारी शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी बल्कि कम भी हो सकती है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मशरूम जो होता है वो नॉन वेज में आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में वेज रेस्टोरेंट में जाते हो तो उसमें आपको मशरूम ज़रूर मिलेगा, तो वो नॉन वेज नहीं है, वो प्योर वेज है। मशरूम में हमको पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन B3, B2 और विटामिन डी, ये सारी चीज़ें हमको मशरूम से हमको मिलती है। अगर मैं सोयाबीन के आटे की बात करूँ, उसके फ़ायदे की बात करूँ, तो हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा होता है, कैंसर से हमें बचाता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है। तो अभी आप देख सकते हैं मैं अभी अपना लंच लेके आ चुका हूँ। आपको दिखाने से पहले मैं अपनी पहले शुगर चेक कर लेता हूँ, फिर मैं रोटी को हाथ लगा के आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितनी बड़ी रोटी ली है। तो सबसे पहले मैं अपनी शुगर चेक कर लेता हूँ। मैं लास्ट 3 दिन से मैं बॉम्बे में था और जितना भी खाना था वो मैंने बाहर का ही खाया है, तो शायद मेरी जो रैंडम ब्लड शुगर है वो शायद बढ़ के आ सकती है, क्योंकि मैंने काफ़ी मिसल पाव है, उसल पाव है या वड़ा पाव है, काफ़ी कुछ खाया है मैंने, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं गया था बॉम्बे। तो चलिए चेक कर लेते हैं अभी हमारी शुगर क्या आ रही है। तो ये आ गई है मेरी रैंडम ब्लड शुगर 191 आई है मेरी रैंडम ब्लड शुगर, और अभी टाइम जो हो गया है आई थिंक 130 के आसपास हो गया है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है मेरी सोयाबीन की रोटी, इस टाइप से मैंने 2 ले ली है। अब कितना ग्राम लिया आपको, जितना ग्राम में रोटी बनानी हो जितना भी खानी हो आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैंने ले ली है मशरूम की सब्जी, ये मैंने ली है मशरूम की सब्जी,
और ये मैंने दो ली है मैंने हरी मिर्च, क्योंकि मुझे मिर्ची जो है ज़्यादा चाहिए होती है, तो मैंने दो हरी मिर्च ले ली है। तो मैं ये खाऊंगा और फिर मैं आपको मिलूंगा 2 घंटे बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना लंच कंप्लीट कर दिया है। 2 सोयाबीन की रोटी और मशरूम की सब्जी ली थी और 2 हरी मिर्च ली थी, क्योंकि मुझे तीखा थोड़ा पसंद है। तो अभी जो टाइम हुआ है वो हो गया 1:30 और खाने से पहले थी जो मेरी शुगर वो थी 191, जो थी मेरी रैंडम ब्लड शुगर। अब मैं आपको मिलूँगा 2 घंटे बाद यानी 3:30 को कि मेरी शुगर क्या रहेगी। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे अभी 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, एक्चुअली 15 मिनट ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि मुझे नींद आ गई थी तो थोड़ा 15 मिनट में लेट हो गया हूँ, लेकिन 15 मिनट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे रिजल्ट पे। तो चलिए अब हम अपनी शुगर चेक करेंगे। हाँ, दूसरी बात, ये जो अपना सोयाबीन का जो आटा आता है वो शायद 140 रुपये किलो आता है, और जो अपना मशरूम होता है वो अपने को 180 या 190 रुपये किलो मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब चेक कर लेते हैं कि हमारी शुगर क्या आती है। खाने से पहले थी मेरी शुगर 191, जो थी मेरी रैंडम ब्लड शुगर। चलिए चेक करेंगे कि ये खाने के बाद भी क्या हमें सलाद खाना ज़रूरी है या नहीं है। कि रोज़ खा खा के सलाद भी हम लोग पक जाते हैं हम लोग खा खा के। देख लीजिए शुगर आ गई है मेरी 191 से 128, 191 से 128, मेरा 63 पॉइंट मेरा डाउन हो गया है। देखिए मैं 15 मिनट लेट ज़रूर हुआ हूँ, जो आपको मैंने बता दिया है। मैं उस घड़ी को पीछे भी कर सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया, जो रियल टाइम है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप भी सोयाबीन की रोटी आप ज़रूर खाइए। हाँ, और चने की रोटी अगर आपको सूट करती है तो अब आप एक टाइम चने की रोटी खाइए और एक टाइम आप सोयाबीन की रोटी खाइए। गेहूं की रोटी हो, जौ की रोटी हो, सब बकवास है, शुगर बढ़ती है। रागी हो, कोई भी रोटी हो, उससे हमारी शुगर बढ़ती है। लोग काफ़ी कहते हैं कि जौ की रोटी खाओगे, रागी की रोटी खाओगे, ये हमारे शुगर के लिए अच्छी होती है। आप देख सकते हैं मेरा 128 आया है, 191 से 128 आया है, तो इससे अच्छी और शुगर क्या मेरी रहेगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।